उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो चिल्ड्रन, नरेन इज अ स्मॉल बॉय ऑफ क्लास 3। आप ही की तरह उसका भी मन बहुत चंचल है। उसकी माँ उसे सब्जी लेने के लिए बाजार भेजती है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। Who is it? माँ, it's me, नरेन। अभी आई बेटा। आ गए बेटा। जो ग्रोसरी और वेजिटेबल्स मैंने बताई थी सब ले आए हो ना? Yes, ma. Except cabbage. There was no cabbage in the market today. केवल एक ही शॉप में थी, वो भी अच्छी नहीं थी। Oh, it's okay. I will tell papa. वे अपनी ऑफिस के पास वाली मार्केट से ले आएंगे। But you tell me one thing, नरेन। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई बेटा? I forgot to tell you. श्याम काका की शॉप पे मुझे परेश दादाजी दिखे थे। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा। What are you doing here? दादाजी, I have come here to buy grocery. How nice, नरेन। Very good बेटा। घर के काम में हाथ बटाना अच्छी बात होती है। Just then, I noticed Dadaji was carrying two heavy bags. तभी मैंने देखा कि दादाजी ने दो हैवी बैग उठाए हुए थे। मैंने उनसे कहा, दादाजी प्लीज वेट, लेट मी हेल्प यू। थैंक यू नरेन, बट डोंट वरी बेटा, आई विल मैनेज। ओहो नरेन, दादाजी कितने परेशान हुए होंगे, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। नहीं माँ, फिर मैं उनके पीछे पीछे गया और जिद करके उनसे एक बैग ले लिया और उन्हें घर तक ड्रॉप करने गया। वेरी नाइस नरेन। माँ, जब मैं बड़े बूढ़ों को अपना काम खुद मैनेज करते हुए देखता हूँ तब आई डोंट फील गुड। मैं हमेशा उनकी हेल्प करता हूँ और करता रहूंगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। माँ, देन आई वेंट बैक टू श्याम काका शॉप। उनकी शॉप पर पहले से ही दो कस्टमर्स थे, तो फिर मैंने वेट किया। अच्छा, इसलिए तुम लेट हो गए। Then after buying grocery, I went to buy vegetables. और वेजिटेबल्स छांटने में, उसमें तो तुम्हें पूरा दिन भी कम पड़ता है। Oh ma, listen to me. Okay. मैंने 160 रुपीस की वेजिटेबल्स खरीदी और मैंने उनको 200 रुपीस का नोट दिया था। अब बताओ मुझे शॉपकीपर से कितना चेंज मिलना चाहिए? 40 रुपीस। बट ही रिटर्न्ड 50 रुपीस टू मी। तब मैंने सोचा क्यों ना 10 रुपीस की आइसक्रीम खा ली जाए। नरेन, माँ पूरी बात तो सुनो। आइसक्रीम की शॉप की ओर बढ़ते बढ़ते मैं सोच रहा था, क्या मैं सही करने जा रहा हूँ? माँ हमेशा कहती है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम के लिए हमारा माइंड हमें परमिशन ना दे। वेजिटेबल सेलर कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उन्होंने गलती से मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए होंगे। तभी मैं लौटकर उनकी शॉप पर गया। अच्छा, अंकल ये लीजिए 10 रुपीस। What do you want, little boy? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने थोड़ी ही देर पहले आपसे वेजिटेबल्स ली थी।
आपने गलती से 10 रुपीज ज्यादा रिटर्न कर दिए थे। और तुम पैसे लौटाने आए हो? यस अंकल, मैं कैसे आपके पैसे रख सकता था, इसीलिए मैं आपको पैसे रिटर्न करने आया था। थैंक यू बेटा, मेरी तरफ से ये टॉफी तुम खा लेना। सच में नरेन, मुझे तो पता ही नहीं चला बेटा कि तुम इतने बड़े और इतने समझदार हो गए हो। ऑलवेज बी दिस वे, हमेशा ऐसे ही रहना। आई विल ट्राई माई बेस्ट मा। एंड आई होप तुम्हारी बहन मीरा भी तुम्हारे जैसी ही बने। ऑफ कोर्स मा, आप हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें जो सिखाती हो। लव यू नरेन। लव यू टू मा। तो देखा आपने कैसे छोटे से बच्चे नरेन ने अपनी सूझबूझ के इस्तेमाल से सही फैसला लिया।